हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे नीट 2021 के लिए। 2021 के लिए अगर बात करें हम ओपन मेरिट की, तो 54% रिजर्वेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, और बॉयज की सीट्स हैं 233, तो जिसके लिए कट ऑफ 567 रहेगा। गर्ल्स की भी सेम इतनी ही सीट्स हैं 233, तो गर्ल्स का कट ऑफ रह सकता है 520। ठीक है, उसके बाद आरबीए की बात करें तो 10% रिजर्वेशन है। बॉयज की सीट्स हैं 48 और गर्ल्स की भी 48 है, तो यहाँ पर 532 रह सकता है कट ऑफ। इस बार एमबीबीएस के लिए मिनिमम मार्क्स जिस पर जो है एमबीबीएस सीट मिलेगी 532, और गर्ल्स के लिए 468। ठीक है ना। यहाँ पर अगर कुछ जो है आरबीए बॉयज जो है वो ओपन मेरिट में जाएंगे आरबीए के रूल 17 के तहत, अगर वो ओपन में कंसिडर नहीं किए जाते तो फिर कट ऑफ रहता 547, लेकिन वो ओपन में जाएंगे तो इसलिए 532 रहेगा इसके लिए बॉयज के लिए आरबीए का। एएलसी की बात करें 4% रिजर्वेशन है। 4% रिजर्वेशन यानी कि बॉयज की भी 19 सीट्स हैं और गर्ल्स की भी 19 सीट्स हैं, तो 414 जो है कट ऑफ रहेगा बॉयज का, 428 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, एग्जैक्ट नहीं यही लगभग इस तरह से रह सकता है गर्ल्स के लिए कट ऑफ 2021 के लिए नीट। उसके बाद ओएससी कैटेगरी की बात करें यानी कि ओबीसी, जिसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स भी आते हैं, तो उसके लिए जो है वो 19 19 सीटें हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो बॉयज की बात करें तो यहाँ पे 509 कट ऑफ रह सकता है, 509 मिनिमम मार्क्स जिस पर एमबीबीएस सीट मिल सकती है बॉयज को ओएससी कैटेगरी में, और 450 नंबर मिनिमम 450 मार्क्स पर जो है गर्ल्स को जो है वो सीट मिल सकती है, यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है ओएससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद पीएसपी की बात करें तो इसी बार इंट्रोड्यूस हुई है पहाड़ी स्पीकिंग कैंडिडेट्स जो है 1990 सीट्स है, 4% रिजर्वेशन है बॉयज के लिए, 502 कट ऑफ रह सकता है गर्ल्स के लिए 509। ठीक है, कुछ इसमें से ओपन मेरिट में जाएंगे। जेकेपीएम यानी कि 1% रिजर्वेशन है, तो बॉयज की 5 सीट्स हैं, गर्ल्स की भी 5 है, तो 560 रह सकता है बॉयज का कट ऑफ और 510 रह सकता है गर्ल्स का कट ऑफ। एसपी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की भी 10 सीट्स हैं, गर्ल्स की 9 सीट्स हैं। एसपी कैटेगरी यहाँ पर रिजर्वेशन एसपी की 2% है। ठीक है ना। बॉयज की 10 सीट्स हैं, तो 435 कट ऑफ रह सकता है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 468 कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। ठीक है ना। सीडीपी की बात करें 3% रिजर्वेशन है, बॉयज के लिए 14 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 15 सीट्स हैं। 362 जो है बॉयज का कट ऑफ रह सकता है, 432 जो है वो गर्ल्स के लिए कट ऑफ रह सकता है, मिनिमम मिनिमम मार्क्स मिनिमम स्कोर जिस पर एमबीबीएस सीट्स आपको अलॉट हो सकती है। ओके, आगे बात करें तो यहाँ पर एसटी की बात करें तो 10% रिजर्वेशन है। पहले कह रहे थे कि एसटी ले और कारगिल के इसके साथ मर्ज की जा रही, तो ये अलग अलग है। तो एसटी जो कैटेगरी है गुजर बकरवाल, तो यहाँ पर 10% रिजर्वेशन, 48 सीट्स बॉयज की हैं, 48 सीट्स गर्ल्स की हैं, तो बॉयज के लिए कट ऑफ जो है 440 रह सकता है। अगर ये कुछ कैंडिडेट्स ओपन में ना कंसीडर किए जाते रूल 17 के तहत, तो 445 कट ऑफ जाता, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर एसटी के जो है वो ओपन में जाएंगे, इसलिए कट ऑफ उनका 440 रह सकता है। और गर्ल्स के लिए 362, गर्ल्स के लिए 362 एसटी जो कि 8% 10% रिजर्वेशन है। ठीक है ना। टोटल सीट्स इनकी हम बाद बताएंगे आपको। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी की 38 सीट्स हैं। एक मिनट, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ओपन मेरिट की बात करें तो टोटल 466 सीट्स हैं बॉयज गर्ल्स दोनों को मिलाकर। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और कैटेगरीज का देख लेते हैं। तो हाँ, अब अगली जो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एससी की जो कि 8% रिजर्वेशन है, 8% रिजर्वेशन में बॉयज की 38 सीट्स आती हैं और गर्ल्स की 39 सीट्स, तो यहाँ पर इनका बॉयज का कट ऑफ 412 रह सकता है 2021 नीट के लिए, और गर्ल्स का 394 रह सकता है और 412 रह सकता है बॉयज के लिए। उसके बाद हम बात करें एसटी के यानी कि कारगिल के लिए 2% रिजर्वेशन की अलग से है, तो बॉयज की सीट्स हैं 10, गर्ल्स की सीट्स है 10, तो यहाँ पर बॉयज के लिए 378 एंड गर्ल्स के लिए 427 कट ऑफ रह सकता है 2021 के लिए। उसके बाद एसटी ले की बात करें तो 2% रिजर्वेशन है, 2% रिजर्वेशन यानी कि 10 सीट्स बॉयज की हैं, 10 सीट्स गर्ल्स की हैं, और यहाँ पर 258 जो है वो कट ऑफ रह सकता है बॉयज का, एंड यहाँ पर 394 जो है वो कट ऑफ रह सकता है गर्ल्स के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बड़ा एक डाउट है, हमें भी अभी क्लियर नहीं हुआ ना, इस पे थोड़ा रिसर्च किया जाना कि इस पे जो रूल 17 है वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं।
अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी ओपन मेरिट में और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में टोटल जो है वो 53 सीट्स दी गई हैं। पहले जो आई थी सीट्स वो कुछ ज़्यादा थी, लगभग 80 या 70 75 ऐसे कुछ सीट्स थी, मुझे भी अच्छे से याद नहीं, लेकिन 53 सीट्स ही इस बार मिली हैं जम्मू एंड कश्मीर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जिसमें बॉयज़ के लिए 26 सीट्स हैं और 27 जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। एक गर्ल सही है भाई। उसके बाद असा गल करना थे बॉयज की, जो है वो सीट यहाँ पर मतलब सीट्स जो हैं वो 26 हैं, तो इनका कट ऑफ रह सकता है 519 बॉयज के लिए एंड 472 जो रह सकता है वो गर्ल्स के लिए कट ऑफ रह सकता है। भाईजान आप देखते हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नीट के जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, तो आपके एक दो दिन में जो है वो फाइनली कॉलेजेस और जो जो आपको एमबीबीएस कॉलेजेस मिले हैं उनके साथ आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा कट ऑफ क्या रहा है। कट ऑफ यानी कि मिनिमम स्कोर, मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें कि एमबीबीएस सीट्स अलाट हुई है। देखिए ये सब खेल है रैंक का। मैं अभी चेक कर रहा था कि लगभग एसटी लेह के लिए बॉयज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनके रैंक में। एक कैंडिडेट के, अगर एक कैंडिडेट के 394 मार्क्स है तो दूसरे कैंडिडेट के जो है वो 300 या फिर 200 जो है 96 मार्क्स है, तो उनके बीच डिफरेंस जो है वो लगभग 1000 में है, ठीक है ना। उसमें क्योंकि और बाकी कैंडिडेट्स जो हैं दूसरी कैटेगरीज के वो भी आ रहे हैं, तो इसलिए उन कैटेगरी को सिर्फ देखा जा रहा है क्योंकि उनकी सीट्स हैं तो उसी में एडजस्ट करेंगे। तो इसमें रैंक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम एसटी ले की बात करें तो 258 जो है वो कट ऑफ रहेगा इस बार। तो टोटल सीट्स ओपन के लिए 466 हैं, जिसमें हाफ हाफ गर्ल्स के लिए हाफ बॉयज के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की 53 सीट्स हैं, एसटी के कारगिल के लिए 20, जिसमें हाफ 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 बॉयज के लिए हाफ गर्ल्स के लिए, एसटी ले के लिए भी 20 सीट्स हैं, 2% रिजर्वेशन। ओपन की 54% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस की 10%, एसटी के 2%, एसटी जो ले है उसके लिए भी 2% है। उसके बाद एससी की बात करें तो 8% रिजर्वेशन, टोटल 77 सीट्स है, ठीक है, 38 बॉयज की 39 गर्ल्स की। एसटी 10%, जीबी जो है उसके लिए 48 सीट्स बॉयज की हैं, 48 गर्ल्स की, 96 टोटल सीट्स हैं, 10% रिजर्वेशन। ओएससी 4% रिजर्वेशन, जिसमें ओबीसी भी आती है, टोटल 38 सीट्स हैं, 1990, ठीक है, 9 18, ठीक है। ओएससी 4% रिजर्वेशन, 38 सीट्स हैं, 19 19 बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है। एएलसी भी 4%, जिसमें 38 सीट्स हैं, 19 19 सीट्स जो डिवाइड जाती है बॉयज एंड गर्ल्स में। 96 सीट्स हैं आरबीए में, 10% रिजर्वेशन। सीडीपी की 3% रिजर्वेशन है, 29 टोटल सीट्स हैं, 14 सीट्स बॉयज के लिए, 15 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं। एसपी 2% रिजर्वेशन है, बॉयज के लिए 10 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 9 सीट्स हैं, 435 कट ऑफ रहेगा बॉयज का इस बार में भी। जेकेपीएम 1% रिजर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स हैं, इसलिए इनका कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि 5 सीट्स बॉयज के लिए, 5 जो है वो गर्ल्स के लिए। पीएसपी 4% रिजर्वेशन, 38 सीट्स हैं टोटल बॉयज के लिए, 19 19 गर्ल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कैटेगरी वाले हैं, वो उनका उनके स्कोर जो है वो अच्छे होते हैं, और जैसे 233 अगर टोटल ओपन मेरिट की सीट्स हैं तो टॉप के 233 जो है, चाहे वो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स भी उस टॉप के 233 बॉयज में आ रहे हैं, तो रूल 17 के तहत उनको जो है वो ओपन कंसिडर किया जाता है, ना कि उनको कैटेगरी में गिना जाता है। इसी वजह से जो है वो कट ऑफ में हमें देखने को मिलता है डिफरेंस भाईजान, ठीक है ना। तो रूल 17 का थोड़ा इश्यू है, ओपन मेरिट वालों को थोड़ा नुकसान है, क्या करें क्या करें। ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, देखते हैं 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्लियर कट, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आपका एक दो दिन में, आज क्योंकि लास्ट डेट है इसकी काउंसलिंग की, तो इसके बाद जो है वो आयुष कोर्सेज के लिए जो इसके बाद जो है वो लिस्ट आएगी, सिलेक्शन कैंडिडेट जो है जाके अपने अपने कॉलेज में चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि 4 4 5 मिनट ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुए, और कुछ ऐसे हैं जिनकी 4 ड्रॉप के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुई है, हमसे बात हुई थी, तो उन सब के लिए दोस्तों टेंशन नहीं करना, और दोबारा से वो शुरू हो चुके हैं, लाइब्रेरी में बैठ गए हैं, कुछ जम्मू में, कुछ कहीं कहीं अपने अपने घर के नज़दीक या घर में बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं। सो उम्मीद रखिए और काम करते रहिए। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड बी हैप्पी।
इन दिन में हमारी आपसे मुलाकात होती है, बाकी साल में आपको बताइए क्या सिस्टम है, ठीक है? सो गुड लक, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेज। जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही टेंशन नहीं लेना यार, आपके लिए बेस्ट है सब कुछ, और जिनकी होगी उनको बहुत बिलियंस ट्रिलियंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड बाय।